नमस्कार दोस्तों, क्राइंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आखिर यह क्यों मनाया जाता है, इस फेस्टिवल में कौन लोग भाग लेते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। जापान में अनोखा क्राइम फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को रुलाया जाता है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। इसे नाकी सुमो क्राइंग बेबी फेस्टिवल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सुमो पहलवान बच्चों को लेकर सुमो रिंग में उतरते हैं। बल्कि इस गेम में क्या होता है कि आमने सामने दो बच्चों को लाया जाता है और रुलाने की कोशिश किया जाता है। जो बच्चा सबसे जल्दी रोता है वो इसमें विजेता होता है। अगर बता दें कि अगर बच्चा दोनों एक साथ रोने लगा और इसमें बच्चा जो देर तक रोता है उसको विजेता किया जाता है। यह जो फेस्टिवल है क्राइम बेबी फेस्टिवल, यह 4 वर्षों से जापान में मनाया जाता है। बता दें कि अगर जो बच्चा रोता नहीं है तो उसको रोलाने के लिए ओनी दानों की मुखौटा भी पहनाया जाता है जिससे बच्चा वो रोए। नाकी सुमो महोत्सव हर साल पूरे जापान के सिंटो मंदिर में आयोजित किया जाता है। आमतौर पर गोल्डन के अंत में बाल दिवस के साथ मेल खाने के लिए 5 मई या उसके आसपास मनाया जाता है। जापानी लोक कथाओं के अनुसार रोते हुए जो बच्चों में बुरी आत्मा होती है उसको खत्म करने के उसमें शक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। जापान में कहावत है कि नागको वा सोडातसु, यानी इसका अर्थ यह है कि रोने वाले बच्चों बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। बात की जो बच्चा तेज आवाज में रोता है तो उसे यह संकेत मिलता है कि बच्चा मजबूत और स्वस्थ होता है। तो आपको यह जानकारी किसे लगी क्राइम बेबी फेस्टिवल के बारे में कमेंट में बताइएगा। और ऐसी तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए देश दुनिया की तमाम करेंट की जानकारी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।